उत्तर प्रदेश के आगरा में एक होटल के कमरे में 22 वर्षीय हॉकी खिलाड़ी स्नेहा अहमद का शव फंदे पर लटका मिला। स्नेहा, जो बुटू कटरा की निवासी थी, रविवार शाम को होटल स्टार ऑफ ताज में ठहरी थी और अगले दिन चेकआउट करने वाली थी। जब सुबह के 11:30 बजे तक वह कमरे से बाहर नहीं आई तो होटल कर्मचारियों ने दरवाजा खटखटाया। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर दरवाजा तोड़ने पर स्नेहा का शव लटका मिला। पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या मानते हुए कोई सुसाइड नोट नहीं मिलने की जानकारी दी गई। हालांकि पुलिस ने बताया कि स्नेहा ने अपने मोबाइल से कई लोगों से चैटिंग और व्हाट्सएप कॉल की थी, जिसमें एक युवक गगन संदिग्ध पाया गया। गगन के खिलाफ 4 साल पहले छेड़खानी का केस दर्ज किया गया था और पुलिस ने कहा है कि उनकी बातों की जांच की जा रही है। वहीं स्नेहा के परिवार ने उसकी हत्या की आशंका जताई है। उनके अनुसार स्नेहा के कोच ने उन्हें फोन किया था, जिसमें उसने अलीगढ़ में स्पोर्ट्स मीट का जिक्र किया था। वहीं परिवार ने आरोप लगाया कि होटल के माहौल और संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों ने इस घटना को जन्म दिया। वहीं फतेहाबाद रोड पर स्थित होटलों में अवैध गतिविधियों की लगातार सूचनाएं मिलती रही हैं। कई होटल घंटों के हिसाब से कमरे किराए पर देते हैं। कई होटलों में वेश्यावृत्ति की सूचना लगातार मिलती रही है, मगर पुलिस चेकिंग के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करती है। वहीं स्पा सेंटरों में जिस्म फरोशी का गलीच धंधा चलता है। शनिवार को एक स्पा सेंटर के बाहर युवतियों ने एक युवक की पिटाई भी लगाई थी। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। स्नेहा आगरा की रहने वाली थी, उसे लोकल आईडी पर होटल में कमरा दिया गया। इसे होटल व्यवसाय से जुड़े लोग गलत बता रहे हैं। होटल व्यवसायी समाजवादी पार्टी का करीबी भी बताया जा रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। देखिए, आज ताजगंज थाने में ये सूचना प्राप्त हुई कि होटल स्टार ऑफ ताज में, जो कि बसई में, यहाँ पर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। मौके पर पहुंचकर जानकारी की गई तो पता चला कि पीड़िता, जो लगभग 22 वर्ष की है, उसने यहाँ पर एक कमरे में सुसाइड कर लिया है। हमने मौके पर फील्ड यूनिट बुलाई है, परिवारजनों को सूचना दे दी गई है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।